देश में लोकसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले भाजपा अपने हर मोर्चे को मजबूत करना चाहती है। वो इस बार किसी भी कीमत पर रिक्स लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। भाजपा ने संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सोमवार और मंगलवार को भी दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। अब माना जा रहा है कि संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार और संगठन में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नए चेहरों को बिठाया जा सकता है। इसके अलावा नड्डा की टीम में भी नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। नड्डा की टीम में 3 नए महासचिव को शामिल किया जा सकता है। वहीं सरकार में भी बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। चुनावी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ से कुछ लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, तो वहीं महाराष्ट्र, गुजरात से भी कुछ लोगों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में तो सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने और संगठन में फिर से उत्साह भरने के लिए एक दो नेताओं को लाइमलाइट में लाया जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एनडीए का कुनबा बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और केरल में अन्य दलों से गठबंधन पर भी पार्टी जल्द फैसला लेगी, क्योंकि इन राज्यों में एनडीए का कुनबा बढ़ाने का विचार पार्टी कर रही है। नेक्स्ट रिपोर्ट, मुंबई महानगर।